वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए के बारे में। इसको हम द अडेप्टर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। तो इसका बहुत बड़ा रोल है ट्रांसलेशन में, प्रोटीन सिंथेसिस में। सबसे बड़ी बात तुम्हें ध्यान रखनी है कि टीआरएनए आर स्पेसिफिक फॉर ईच अमीनो एसिड। सबसे बड़ी बात यहाँ निकल के आ रही है कि टीआरएनए आर स्पेसिफिक फॉर ईच अमीनो एसिड, ठीक है जी। और इसको हम तो फॉर इनिशिएटर देयर इज अनदर स्पेसिफिक टीआरएनए दैट इज रेफर्ड टू एज इनिशिएटर टीआरएनए, ठीक है। देयर आर नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि हमने इसमें देखी। अब हम इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। इट वॉज क्लियर टू फ्रेंसिस क्रिक दैट देयर हैज टू बी मैकेनिज्म टू रीड द कोड। जेनेटिक कोड को कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो रीड कर रहा होगा, तो वो है तुम्हारा द अडेप्टर मॉलिक्यूल टीआरएनए। तो ही पोस्टुलेटेड द प्रेजेंस ऑफ एन अडेप्टर मॉलिक्यूल दैट वुड ऑन वन हैंड रीड द कोड एंड ऑन अदर हैंड वुड बाइंड टू स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स। एक तरफ वो रीड करेगा, दूसरी तरफ उसके ही रिलेटेड अमीनो एसिड से बाइंड कर देगा। तो ये है कहानी। कोडोन उसके पास है एंटीकोडोन, एंटीकोडोन विल बाइंड विद कोडोन द tRNA then called sRNA, इसको हम soluble RNA भी बोलते हैं, ध्यान रखना है। was known before the genetic code was postulated, genetic code से पहले ही इसको discover कर दिया था। however its role as an adapter molecule was assigned much later, ठीक है जी। tRNA has an anticodon loop जो कि बहुत important है, जिसके through ये codon तो bind करेगा, that has bases complementary to the code and it also has an amino acid acceptor end। एक तरफ एंटीकोडॉन लूप है जहां ये कोडॉन से बाइंड करेगा, एक तरफ अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड है जहां ये अमीनो एसिड से बाइंड करेगा। टू विच इट बाइंड्स टू अमीनो एसिड्स। तो टीआरएनए इज स्पेसिफिक फॉर ईच अमीनो एसिड, देखा हमने। फॉर इनिशिएशन देयर इज अनदर स्पेसिफिक टीआरएनए दैट इनिशिएटर टीआरएनए। 5'3' ये कोडॉन है, ये एंटीकोडॉन है, ये इसका अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड है, ठीक है जी। तो यहीं से क्वेश्चन बन सकता है कि UCA एंटीकोडोन हैज द करेक्टरिस्टिक फॉर सेरीन, ये तुम्हें ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। AUG, ठीक है जी, AUG जो एंटीकोडोन होगा वो कोड करेगा टायरोसिन के लिए, मतलब वो टायरोसिन अमीनो एसिड के स्पेसिफिक होगा। लेकिन AUG जो अगर ये mRNA के अंदर होगा तो तुम्हारा इनिशिएटर कोडोन होगा, ये तुम्हें ध्यान रखना है। AUG अगर tRNA के अंदर लगा है तो वो टायरोसिन को पिक करेगा, ठीक है जी। और AUG अगर यहाँ लगा है तो इसका ऑपोजिट यहाँ हो जाएगा, तो फिर वो मेथियोनिन को बाइंड करेगा। तो इस तरीके से हो गया। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। इन एक्चुअल स्ट्रक्चर द tRNA इज़ ए कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल विच लुक्स लाइक इन्वर्टेड L। तो छोटी सी वीडियो है ये tRNA के बारे में, इसको ध्यान से पढ़ें। एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आता रहा है।